So we are in Masuri finally in Wadia. मैं व्लॉग बना रही हूँ अपने टाइप का व्लॉग। गाइस बताइए मुझे कमेंट करके बताना मैं कैसी लग रही हूँ। ये देखो हमारे साथ भरम बतोले भरम बतोले तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं हम हैं प्लेटफॉर्म पर और ये बंदे फोन में लगे हुए हैं, थोड़ा बंदी से सेटिंग कर रहे हैं। नई बंदी मन नई बंदी मिल गई इन्हें फेसबुक पे। तो गाइस हमारी ट्रेन जैसे कि तुम्हें पता है हम कभी भी टाइम पर कहीं पहुंच नहीं सकते। ट्रेन मिल चुकी है, देख सकते हैं दिल्ली टू देहरादून 4041 जाती है। तो ये ट्रेन है और ये हमें अनाउंस करे कि निकल रही है। हमारे में तेरे बाप को मत सिखा। जिस बॉक्स में हम घुसे थे वो बॉक्स हमारा नहीं था, काउच जो भी बोलते हैं। मेरा फर्स्ट ट्रेवल है और ट्रेन से तो देहरादून, बट इस बंदे की वजह से सीन हुआ है। यही हमारा कोच था, ये देखो D3, बट यार यू नो वहाँ पहुँच गए इंजन पे। सो कोई नहीं, हम मिल गए, बढ़िया मजा करेंगे। एक नंबर यो। तो भाइयों इनसे मिलो। तो गाइस जैसे कि आपने देखा कितना मजा ले रहे हैं सारे के सारे बंदे। और यार इतना चीप नहीं मिल सकता। मिल सकता इतना चीप भाई? नहीं यार, वन है कि आई एम नॉट श्योर की, बट लेकिन ये है कि भाई इतने में नहीं मिल सकता। एग्जैक्टली, तो यार 140 रुपीज में क्या ही लोगे यार। देखो हम पूरा, मतलब कि तुम्हें पता है रोए, मैं एंड सागर DC हम तीनों निकले थे ऑटो से, जो कि ऑटो की हमारी कॉस्ट थी आई थिंक 180 रुपीस, ठीक है। अब हम तुम्हें लोकेशन तो डिक्लेयर नहीं कर सकते, बट हम दिल्ली से ही आए थे और ऑल दिल्ली रेलवे स्टेशन आए थे, ठीक है गाइस। तो बाकी हमें सारे के सारे फ्रेंड्स मिले एट रेलवे स्टेशन, तो सब ने आपको बताया अपना एक्सपीरियंस कि 140 रुपीस में क्या ही मिलेगा यार। और नीट एंड क्लीन ट्रेन है, आप देख सकते हैं, ठीक है। बाकी हमारी जर्नी अभी स्टार्ट है, तो देखते हैं आगे क्या होता है। वो अपने रील्स में बिजी, इंस्टाग्राम फिल्टर एंड ऑल। ये काम मैं बोल रही हूं सबके सामने, कान में बता दो मैं ही बोल रहा। भाई आप क्या एक्सपेक्ट करते हो 140 रुपए में? इतना अच्छा लग रहा है, एटलीस्ट सेकंड लास्ट विंडो सीट मिली है मेरे को, सीट मिली है, बहुत मजा आने वाला है, बहुत मजा आ रहा है। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह। आप बताओ भाई, अच्छा लग रहा है? गरम गरम था, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। इसमें क्या है पिटारे में? अब ये पिटारा खुलेगा इसमें सांप निकलेगा भाई। ये वाला अच्छा है, जो भी है गिरेगा नहीं। पराठे होंगे, अरे खोलो ना। ओ भाई साहब मजा आ गया। पूरी माँ बादल, ओ माय गॉड, टुलू लव। ओ भाई क्या है भाई, पास्ता मेरा है भाई, क्या है भाई पास्ता। वी आर प्लेइंग कार्ड्स एंड ऑल। यार ओए का है तुम्हारा लूडो, जल्दी यार पत्ते मत गिराना। नहीं गिरेगा अभी, काट दे छक्का। तो सब अपने अपने गेम्स में बिजी है। ये 140 वाली ट्रेन के पूरे मजे ले रहा है, ले रहा है ना? हाँ बहुत, मतलब ऐसा लग रहा है हॉट सीट पे बैठा हूँ, बस वो आना बाकी। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? A few hours later. बाकी हो रहे 4:30 और हम इस टाइम नवीजाबाद, शायद मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ। तो ये हमारी ट्रेन हॉल्ट की है यहाँ पर, 10 मिनट रुकेगी हमारी ट्रेन और हम इस टाइम बहुत चिल कर रहे हैं और चारों तरफ हो रहा है। मेरा चिल तो पता है अरमान भाई को कैसा हो रहा है, तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। एक नंबर मजा आ रहा है। तो बस थोड़ा देखो
कैब चलती है और हम चले जाएंगे। है ठंड यहाँ पर बहुत, कोहरा ही कोहरा चारों तरफ, कोहरा ही कोहरा और चाय चाय चाय, सिर्फ चाय 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 भाई। मतलब समझ रहे हो, कोहरा ही कोहरा, कुछ नहीं दिख रहा, मैं ब्लर है सब कुछ। बाकी वहाँ जाके देखते हैं क्या होने वाला सीन है। A few moments later. क्या हो गया? ये पत्तों के रंग बदलेगा, देख सकते हो गाइस। पता, तुम दिमाग चलाओगे, एक एक करके सब में पूछ लोगे, हम बस ये देखोगे। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। ओए, ट्रिक पकड़ी गई, ये नकली कारीगर पकड़ा गया, यू नो। ये था ही नहीं तुम्हारा, हो ही नहीं सकता, लिख के ले लो, लिख के ले लो, प्यार करा था ना। ये आर्ग्यू कर रहे हैं। और इसके कुछ देर बाद हम सब सो गए और फिर हुई एक प्यारी सी सुबह। हम आ चुके हैं इस टाइम दोई वाला और ये सेकंड लास्ट स्टॉप है अपना, जो लास्ट स्टॉप है वो है देहरादून। तो सबसे जो सुकून की बात है ना इस टाइम, ये है कि धूप आ गई है। इतनी ठंड लग रही थी ना रात में कि यार हालत ख़राब हो गई थी। मतलब इतनी भी नहीं थी वो ठंड, हमारी गलती से थी क्योंकि हम यार ब्लैंकेट वगैरह लेके नहीं आए। तो प्लीज़ गाइज, आप इस चीज़ को फॉरगेट मत करना, ब्लैंकेट ज़रूर कैरी करना। और ये जो ये देख रहे हो रिफ्लेक्शन मिल रहा है ना, इससे जान में जान आ रही है लाइक जादू। तो मज़ा आ रहा है ना। यस यस, तो धूप आ गई, तो धूप में मज़ा आ रहा है। और ये दोई वाला आ गए, बाकी अभी देखते हैं, पहुँचते हैं देहरादून, फिर कनेक्ट करेंगे, वहीं से स्टार्ट करेंगे। और ये देखो गाइस, फिलहाल हम देख सकते हो पहुंच गए देहरादून और ये हमारा लास्ट स्टॉप है। अब यहां से हम जर्नी स्टार्ट करेंगे। वीडियो में कंटिन्यू रहना, मैं आपको बताऊंगा लो बजट आप मसूरी कैसे एक्सप्लोर कर सकते हो, सस्ते में अच्छे से अच्छा बेस्ट और सस्ते में कैसे आप फूड हीट कर सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल हम देहरादून स्टेशन पर हैं और ये फ़ोन पर लगा हुआ है, ये बंदी से लगा रहता है पूरे टाइम, तो समझाओ इसको। कोई नहीं है, कोई नहीं है भैया, मज़े ले रहे हैं। गाइज, जो भी चाय लवर है सब, आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि देखो ये ना बिल्कुल स्टेशन पे एक शॉप है हमारे पीछे, तो सिर्फ 10 रुपये की चाय है, वो भी कुल्लड़ में, और एकदम इतनी ऑथेंटिक टी है ना यार, इतने सारे मसाले वगैरह सब कुछ है इसके अंदर, मतलब मज़ा आ गया। तो जो भी चाय लवर है ना, प्लीज़ गाइज एक बार ट्राई ज़रूर करना, क्योंकि 10 रुपये में क्या ही मिलता है यार, 5-7 रुपये का तो कुल्लड़ ही होगा सोचो। तो गाइज एक बार, तो ये चाय वाले भी है, इनसे आप ये कुछ बताना चाहते हैं अपने बारे में, अगर आप देहरादून स्टेशन पे आते हो तो इनके एक स्टॉल है, बहुत बढ़िया चाय बनाई है, मैं बहुत ज़्यादा मज़ा आया। तो भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक जैन है। ओके, कब से आपकी शॉप? 15 से 16 साल हो गए। ओके, 15-16 साल हो गए, और वो हमें दिखा भी, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल सही बात, चाय में कुछ बचता नहीं है, मगर आगे जो कुल्हड़ हमने बनवाए हैं तो इनको भी काम मिला है, सही, लाखों कुल्हड़ बनवा रहे हैं तो उनको भी काम मिल रहा है, बिल्कुल यही खुशी है कि उनको काम मिल रहा है। डेफिनेटली डेफिनेटली, वही 10 रुपये में देहरादून रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने की कोशिश कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, लोगों को अच्छी चीज दूं तो बंदे जब भी देहरादून आए तो That's a great thing. हमें बहुत अच्छा लगा। So guys, after tea break, हमें मसूरी के लिए निकलना था और मसूरी जाने के लिए हमें चाहिए थी एक बस। तो गाइस, बस स्टैंड जो था अराउंड 50 मीटर के डिस्टेंस पर ही था। और गाइस, आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि यहाँ से हर आधे घंटे में मसूरी के लिए बसेस चलती है और पर पर्सन टिकट का फेयर होता है 65 रुपीज ओनली।
एंड आफ्टर दिस 36 किलोमीटर बस में ट्रेवल करने के बाद फाइनली वी आर रीच मसूरी एंड लुक एट दिस ब्यूटी. वाओ दिस इज रियली अमेजिंग. अब हम स्टे करने के लिए होटल फाइंड करेंगे और नेक्स्ट वीडियो वहीं से स्टार्ट होगा बिकॉज आई एम वेरी टायर्ड और मुझे नहीं लगता कि यार 10 से 12 घंटे ट्रैवल करने के बाद मैं आगे और वीडियो शूट कर पाऊँगा. अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना और प्लीज़ यार शेयर तो कर ही देना. आई होप यू गाइस यू लव इट एंड दिस इज़ गोना बी एन अमेजिंग ट्रिप. प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना जिससे मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियोस बनाता रहूँ. सो दिस इज़ अरमान सिंघानिया साइनिंग ऑफ. पीस.